पुरानी चीज़ छोड़ नई चीज़ अपनाने में वक्त लगता है, चाहे वो ज़्यादा बेहतर हो या बदतर, थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है, क्योंकि पुरानी चीज़ भी कभी ना कभी तो नहीं थी ना। और ये है विवेक भैया की वॉल्वो। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। मेरा नाम सोनल कुमार शर्मा है और ये मेरी ज़िंदगी है जिसमें आप सब आ चुके हैं। तो कल का दिन बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही हैपनिंग था। आज वापस ऑफिस निकल रहा हूँ मैं, और वापस ऑफिस जिम जो है ना वो रेगुलरली हो नहीं पा रहा है मेरे से, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ सुबह, क्योंकि एक तो मैंने दो दिन पहले सोचा कि ठंड है, जब तक ठंड है तब तक ठंड का मज़ा ले लिया जाए, और उस चक्कर में मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ सुबह। जिम जाना है क्योंकि वेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, घर से वापस आने के बाद वेट बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो वेट थोड़ा बढ़ गया, वो कंट्रोल करना है। तो कोशिश करता हूँ कि जिम जल्द से जल्द शुरू कर सकूँ, मैं कमिट नहीं करूँगा क्योंकि दो बार मैं सोच चुका हूँ और हो नहीं पा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल से जिम जाऊँ। और आज चलते हैं ऑफिस, देखते हैं, मीटिंग्स हैं, कुछ कुछ और काम है, वो सारे काम निपटाते हैं, और मैं आप सबको भी पूरे दिन में बनाए रखता हूँ अपने साथ। तो चलते हैं ऑफिस, पीस। तो ये जो मैं पी रहा हूँ ये गिरनार का कश्मीरी कावा, और ये बहुत ही टेस्टी रहता है, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि इसमें शक्कर नहीं होता, हल्का नमक रहता है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी हनी या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बहुत समय से पी रहा हूँ। तो आज ये मूड ऑफ है इसलिए व्लॉग में नहीं आऊँगा बोल रहा है। क्यों भाई, क्यों मूड ऑफ है तेरा? है ठीक है, नॉर्मल है, मूड ऑफ होते रहता है, मेरा भी होता रहता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें, अब ठीक कर ले, कुछ खाने चलते हैं कहीं, मूड ठीक हो जाएगा तेरा। तो मैं का मूड अगर ठीक करना है ना, तो एक ही तरीका है बस, अच्छा खाना खाने लेके जाना पड़ता है इसको। तो ऑफिस से निकल के जाना है कहीं, चलते हैं वहाँ। तो ऐसी एक लोकेशन पे है अभी हम, और शूट चल रहा है हमारा, बट मैं क्या ज़्यादा इससे ज़्यादा दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि शूट है और थोड़े बिजी भी हैं हम उसमें। तो मैं जल्दी घर आ गया हूँ, और उसके बाद शूट के बाद कुछ और मीटिंग्स थी, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, और अब चलना है क्रिकेट खेलने, तो चलते हैं क्रिकेट खेलने और मजे करते हैं। आज मैं आप सबको एक VVIP मेरे मित्र से मिलाता हूँ, ये है विवेक भैया, और विवेक भैया जो है हमारे टीम के फाफ डुप्लेसी है। तो आप ऐसे एकदम मुरझाए हुए क्यों खड़े हो गए? ये है संकल्प जो अवनीश के बिना पहली बार आया, लगा नहीं था आएगा, आज दूसरे ग्राउंड में खेल रहे हैं हम लोग, ये दूसरा ग्राउंड है और बेटर लग रहा है उससे, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, सीजन से तो मिल चुके हैं, इनसे मिलिए, ये हमारे रावलपिंडी एक्सप्रेस से भी तेज फेंकते हैं, ये मतलब इतना तेज फेंकते हैं कि बैट्समैन का बैट टूट जाए, और चश्मा अगर ये उतार दे तो आदमी सिर्फ नज़रों से जल जाता है। और अंसारी जी कई जमाने बाद आए हैं हमारे साथ खेलने के लिए, हम लोग सुबह बहुत क्रिकेट खेलते थे पहले। क्या अंसारी जी, क्या हालचाल? बस बढ़िया भाई, अब से रोज खेलना है ना? उम्मीद तो वही रहेगी रोज खेलना है। अब हम लोग तो रोज आ ही रहे हैं, ये अब सब बॉडी नहीं दिखा रहा आज? नहीं भाई है तो दिखाना चाहिए। तो आज से है तो दिखाना चाहिए। हम लोग पुराने सारे जितने हम लोग खेलते थे पहले, हम लोग सब वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं और खेलेंगे तो मजा आएगा। विवेक भैया की कहानी, विवेक भैया हम लोग के साथ पहले खेलते नहीं थे, तो हम लोग जिस ग्राउंड में खेलते थे ना पहले क्रिकेट, वहाँ पे विवेक भैया आके सिर्फ दो दिन हम लोग के साथ दर्शक बन के बैठे रहे, उसके बाद विवेक भैया को हम लोग अपने साथ टीम में लिए, और विवेक भैया को हम लोग इतना छेड़ते हैं, विवेक भैया के पास एक्चुअली गाड़ियों का आप कलेक्शन देखिए, इसी से आपको समझ आ जाएगा वो कैसे शौकीन है विवेक भैया। कभी मर्क में आएंगे, कभी वॉल्वो में आएंगे, कभी एक्टिवा में आएंगे, ऐसे अलग अलग गाड़ियों में आते हैं हमेशा, तो विवेक भैया को भयंकर छेड़ते हैं हम लोग। 7-8 महीने बाद खेल रहे हैं विवेक भैया, और अंसारी जी तो मेरे को लगता है सालों बाद खेल रहे हैं, और ये है नितेश भैया। नितेश भैया से कल मैं मिलाया था, लेकिन किसी कारणवश मिला नहीं पाया, तो इसलिए आज वापस मिला रहा हूँ आपको। तो ये जो ग्राउंड है ना, इसका डायमेंशन उस ग्राउंड से ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे चौड़ा भी है और लंबा भी है। आज अविरल नहीं आया है, और भी दो तीन लोग नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने में, मतलब ये ग्राउंड बड़ा है, यहाँ का जो टर्फ है वो भी हॉकी वाला टर्फ है, तो वहाँ से बेटर है, वहाँ पे तो बस मैट लगा हुआ है, ये प्रॉपर टर्फ है, ये वो नॉर्मल वाला टर्फ है, वहाँ पे तो क्या है वो सीमेंटेड, उसके ऊपर वो मैट लगा दिया है, घास लगा दियो, मैट लगा, हाँ बस वही लगाया।
तो आज एक कैप्टन मैं हूँ, एक कैप्टन ये है और मेरे टीम में अंसारी जी हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं तो हम लोग पहले दिमाग लगा के साथ ही हो जाते हैं हम लोग, चोरी चकारी साथ में हो सकती है। तो आज मैं हूँ, अंसारी जी मेरी टीम में, विवेक भी है। देखिए दो सीनियर प्लेयर कैसे बैट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों हमारे सीनियर प्लेयर सबसे वेटरन्स, दोनों एक ही टीम में, नहीं तो दोनों अभी तक सेटिंग कर लेते। और इसकी टीम में है शरद है, ये है नितेश भी है, और संकल्प जो है वो कॉमन है। सबसे ज्यादा मजेदार जगह लेकिन कॉमन की रहती है क्योंकि दोनों तरफ बैटिंग बॉलिंग मिलता है और यहाँ पे क्योंकि जगह बड़ी है तो शायद लग रहा है ऑल फील्डिंग करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं और आपको अपडेटेड रखूंगा मैं। फिर टॉस, चल भाई टॉस बिटवीन मी एंड सोनल। हेड्स, हेड्स इज द कॉल, लेट्स सी। हेड्स है भाई। अरे वाह। तो आज क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस लोग नहीं है तो हम लोग बैटिंग कर लेंगे क्या? विवेक भैया क्या बोलते हो? जो करना कर ले भाई। क्या अंसारी जी? बैटिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे ना। टॉस जीतो बैटिंग करो, बॉल भी पुराना है। तीन ओवर दो बॉल, 32 हुआ है, मैं आउट हो गया हूँ। ये शरद है और ये कॉमन है संकल्प। ये पावर प्ले के लालच में आउट हो गया यार मैं, दौड़ दौड़ के। अंसारी जी तेरे को फिर करना पड़ेगा। मेरे को कर? अरे बाबा पावर प्ले। तो हम लोग कितने का टारगेट दिए विवेक भैया? इनको दे नीड 46 रन्स इन 5 ओवर्स। हां, इन 5 ओवर्स एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। लग नहीं रहा कि बना पाए। सीइंग द क्लास ऑफ प्लेयर्स लाइक श्रीजन दरद, इट्स रियली इम्पॉसिबल टू रीच 46। लेट्स सी, रेस्ट्रिक्ट करते हैं इनको। बहुत बेइज्जती से आ रहे हैं पहला मैच। अंसारी जी जो हराए हैं आज अभी, लेकिन दिल जीते हैं ना। एक ओवर मैं फेंका, 6 रन गया। विवेक भेजा रहे हैं एक्सपर्ट। अगला ओवर नितेश भाई मेरे को ही मार रहे हैं बस। कैच है। अरे यार अंसारी जी क्या हो गया आज आपको? ये बेस्ट प्लेयर टर्निंग इनटू वर्स्ट प्लेयर होते जा रहे हैं। चलो चलो बढ़िया बॉलिंग है विवेक भैया। लास्ट ओवर है, 39 हुआ, 5 बॉले बची है। शरद स्ट्राइक में, लास्ट मैन स्टैंडिंग। छक्का है ये, देखिए छक्का। और ये सोनल का चेहरा देखिए, ये छक्का देखिए, सोनल का चेहरा देखिए। अच्छा, अच्छा मार रहा है भाई। टारगेट बता। 5 ओवर्स 46 रन। 46 टू। क्या बोल रहे हो, जीतेंगे अभी? बोनस बोनस। सोनल एंड विवेक हैव द क्लास, द क्लास ऑफ द क्लास ऑफ बोनस सीजन दरद एंड मेनी मोर। ये अलग ही तक जा रहे हैं अंसारी जी, ऊपर जा रहे हैं पूरा। एकदम मौके पे चौका मारे अंसारी जी। अभी पावर प्ले है और मैं बहुत गंदा आउट हुआ हूँ। देखते हैं अंसारी जी क्या कमाल करते हैं। विवेक भी आए, मतलब लड़ाई होगा। कल मैं जितना अच्छा खेला था ना, आज मैं उतना ही गंदा खेला हूँ। पहले मैच में ठीक ठाक मारा, सेकंड मैच में तो चल ही नहीं पाया मैं, एक छक्का मारा हूँ मुश्किल से बस। सेकंड मैच लास्ट ओवर, 20 रन चाहिए। संकल्प द कॉमन मैन और उधर अंसारी जी द हार्ड हिटिंग मैन। इतनी कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं पड़ रहा। और हम लोग एक मैच और खेलेंगे ना, बहुत ही बुरी तरह है। भाई टीम बदल ले, लास्ट मैच है, कुछ तो ऐसा एक्साइटिंग लग। क्या दूं मैं? अरे कुछ भी मतलब बदल। अंसारी जी को उधर में बचेगा क्या? एक बार फिर बोलो श्रीजन हमारी तरफ, अंसारी जी उस तरफ। बहुत ही बुरी तरह हार चुके हैं हम लोग। और ये दरद यही साला वो है, ये हम लोग टीम मेरा भी तो सिर्फ छक्का खाता, अभी साला अच्छा बॉलिंग कर रहा है। पहले ओवर में 13 रन दिया हूं मैं। ये बढ़िया बॉल है विवेक भैया, बहुत बढ़िया बॉल है। पहले ही बॉल में आउट हुआ अभी, ये पहले बॉल में। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। क्रिकेट खेलने जाओ, पहले मैच के पहले बॉल में आउट हो जाओ, उससे आज दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ तो क्या 4-5 मैच खेल लेते हैं हम लोग दशहरा मैदान में। क्यों अंसारी जी? दशहरा मैदान जब 15 ओवर का एक ही मैच खेलते थे और पहले ही बॉल में अगर आउट हो जाए तो फिर आदमी 2 दिन तक रोते रहता था। आखिरी बॉल कितने, हाउ मच गैस डू यू हैव? गैस इन द टैंक? गैस नहीं है भैया, वो फिट है बहुत। इसकी परेशानी है, सबको अपने जैसा समझता है। रिकॉर्ड का 6 है ये। इस सोनल को पढ़ाए जो ब्लॉक करेंगे अभी इसी को। एंड आई डिमांड दैट दिस बॉल हैज टू बी देयर इन द वीडियो। यस इट विल बी देयर। अभी मारेंगे भी। जिसके पास मर्सिडीज होती है उसको ऐसे नहीं मारते। वोल्वो भाई, वोल्वो भी और एक्टिवा भी भाई, और ये होंडा सिटी वरना क्रेटा। देखो किसको बोलते। अरे इसका नहीं पड़ता भाई, मैं बता रहा हूँ नहीं पड़ता, नो डाउट।
हम नहीं कर रहे विवेक भैया, दो बार आप बोलो जीतेंगे, इस बार बोलो हारेंगे तब जीतेंगे। The class of batsmen we have. I think we are going to lose this. I think. I'm still thinking. I'll tell you at the end of the video what I was thinking. Power play. देखते हैं यार ये मैच जीतना है कम से कम। ये इतने जुझारू खिलाड़ी हैं, तीन बार डाइव मार चुके हैं और पूरा घुटना छिल गया है इनका। भैया दशहरा मैदान से तो ठीक है, आप तो वहाँ डाइव मारते थे। अरे वहाँ फिर भी नहीं लगता था यार, यहाँ तो लग रहा है। अंसारी जी अभी मेरे को बोल के गए कि दो बार तू तरह हारे हैं, अभी मैं ओपनिंग जाऊंगा, तो देखते हैं अंसारी क्या कमाल करते हैं। क्यों लेट आता है भाई, क्यों लेट आता है? सब थक गए, कोई नहीं थका है अंसारी जी, बस आप ही थक गए हो। आजकल आपको कुछ खाने की जरूरत है लग रहा है, तो खेला भी नहीं है भाई। अच्छा बुरा कैसा खेले वो मैटर नहीं करता, आके सबके साथ मिल लेते हैं, खेल लेते हैं, वो मैटर करता है, तो मजा उसी में। अच्छा बुरा तो क्या रोज चलते रहता है, कल बहुत अच्छा खेला, आज बुरा खेला, तो चलते रहता है। सब थक के बैठे हुए हैं, मेरे को बहुत मारा है भाई आज ये लड़का। विवेक भैया हाउ वाज द एक्सपीरियंस आफ्टर 8 मंथ्स क्रिकेट? हम लोग तो 3-4 साल बाद खेल रहे हो, बच्चा हो जाता भैया। क्रिकेट का ये विवेक भैया की वॉल्वो, इसमें एक ड्राइव लेते हैं, वॉल्वो XC60। चलते हैं एक राउंड मार के आते हैं। विवेक भैया के साथ यही बेनिफिट है ना कि रोज अब विवेक भैया नई नई गाड़ी लाएंगे और अपन रोज विवेक भैया की अलग अलग गाड़ी में घूमेंगे। ये वॉल्वो कौन सी है भैया? XC60। कितने की लिए थे आप? 63 लाख। बताइए, ये स्क्रीन तो देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम मतलब वो अपन आईपैड खरीदते हैं ना, स्क्रीन जबरदस्त है इसका, देखना दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त है। वाह, ये वही 360 कैमरा है ना? 360 कैमरा, अलग ही फील है यार। मतलब हम सेल्टॉस खरीद के सोच रहे हैं कि वाह क्या कार खरीद लिए। इसमें बैठा मैं अभी भैया, इसमें मसाजर ऑन कर दिए और ये जो मसाजर है ना, ये मतलब इसमें कितनी भी लंबी राइड कर सकते हो फिर आप, मतलब इंसान थकेगा ही नहीं। 15 मिनट में मसाजर यहाँ रिस्टार्ट का आ जाएगा। अरे गजब है यार भैया, आप तो मतलब कहीं बाहर जाओ, अच्छा होटल नहीं मिल रहा तो सो जाओ इसी में। नहीं मतलब लॉन्ग राइड पे जाते हैं ना कभी भी यार। हाँ लॉन्ग राइड में क्या मसाजर जो है नींद नहीं आने देता और इट फील्स रिलैक्स्ड। बट मसाजर से तो मैं तो सो जाऊंगा भैया। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी चलाने वाला नहीं सोता बाजू वाला। तो ऑफ कोर्स बहुत ही शानदार फील है यार, मतलब ओवरऑल ऐसे अलग ही कंफर्टेबल है यार ये गाड़ी। क्रिकेट खेल के वापस आ गया हूँ मैं और बड़ा मजा आया क्रिकेट खेल के। अंसारी जी आए, विवेक भी आए, इतने जमाने बाद उन लोगों के साथ क्रिकेट खेलने का अपॉर्चुनिटी मिला, तो बहुत मजा आया। और मज़ा आता है जब आप ऐसे रेगुलरली क्रिकेट खेलो। हम लोग पहले 4 साल तक रेगुलरली खेलते थे, मतलब रोज़ खेलते थे, एक भी दिन बस संडे ऑफ रहता था हम लोग का, संडे को सोते थे सब आराम से, बाकी हफ्ते के 6 दिन हम लोग क्रिकेट खेलते थे। और ऐसे टीम्स बढ़ जाते थे, बहुत प्लेयर्स थे, दोनों टीम में 11-11 प्लेयर हो जाते थे, तो एक टीम में 11, एक टीम में 11, एक ही मैच होता थे 15 ओवर्स के, एक ही मैच खेलते थे 15 ओवर का। और मतलब इंटेंसिटी इतनी हाई रहती थी, सीरीज़ खेलते थे, कभी इंडिया पाकिस्तान बन जाते थे, कभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया बन जाते थे, कभी CSK RCB बन जाते थे, तो ऐसे अलग अलग टीम में डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग कैप्टन्स बन के खेलते थे क्रिकेट, और बड़ा मज़ा आता था। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो गया ये व्लॉग आई नो, बट आज का दिन ही थोड़ा ऐसा था। अपना प्यार बस इसी तरह बनाए रखिए और बने रहिए मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर।